आज हम सब बिसरपट्टी गांव में आयल हती, जे कि ब्लॉक सरैया परैया। यहाँ के किसान दीदी भैया सब काफी मेहनत से श्री विधि से धान के खेती करै छन, और जंगल हो जाए पर धान में कमैनी कोनो भी डर से करै छन। तो चलै छी आज किसान दीदी भैया से मिल के कोनो भी डर से कमैनी के बारे में कुछ समझै छी और सीखै छी। प्रणाम दीदी। गिरजा दीदी घर हथी? हाँ हथिन दीदी, अभी तो दीदी खेती बाड़ी के समय है, घर ही हथिन दीदी। अच्छा तो घर हथिन तो हम घर ही। हाँ तो जाके मिल लू घर ही। हाँ घर ही हथिन। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। कैसे कैसे दीदी याद पड़ गेल अपने के जब मिले चलैली? दीदी हम तो यही में जब अवैले तब अपने से हम भेंट करिए के जाइले, यही में अब जाई रही तो सोचली कि फेन भेटिए भेटे क के जाइले। अच्छा ठीक कहो, समाचार ठीक है ना? हाँ हाँ दीदी सब ठीक है। कौन चीज छाने हती दीदी? अखनी खेती बाड़ी के समय है, ए चलते अखनी अस्त्र छाने हती है। भिंडी पर छिटबाई तो भिंडी के कीड़ा मर जते, आ सबसे बिगड़ता तो धान के न फसल है। हाँ, धान के सीजन है तो 15 दिन हो गए रोपला, अब ओमे कोनो वीडर मशीन चलावे के है। 15 दिन हो गए बहुत बिगड़ता है, छान के जबे तो वह मशीन चलावे। दीदी कोनो वीडर कौन मशीन हो खलाई? कोनो वीडर मशीन चलेला से जंगल कचरा के ओमे हरा खाद बन जाए छे। जंगल वही में कचरा के खाद के रूप में हो जाए। हाँ आ तो बहुत काम करे छे। मशीन के बारे में तो हम ना जानै ले, कोनो वीडर कैसन मशीन हो खले? अभी तो हम जाइत रही अग्नियास्त्र छींटे भिंडी पर। हाँ। लेकिन अब ना छींटम, आयम तो बाद में छींटम। ताले चलू हम कोनो वीडर चला के अपने के बता दे। हमरा के बता दो दीदी कोनो वीडर के बारे में कैसे रहुहिन, कोनो वीडर के उपयोग। हां चलू चलू बता दे ले। चलू हम कोनो वीडर ले आइली। अच्छा दीदी ये है कोनो वीडर मशीन? हाँ हाँ ये है कोनो वीडर मशीन। अच्छा चलू दीदी अब हम चले ले कोनो वीडर से धान में केरवनी करे, रउरा देख ले मा छे। हाँ तो चलू हमरा बताइए दू। हाँ तो हम समझिए ले ले। हाँ तो हम चले थे अब चलू। सुनो दीदी हम श्री विधि से खेती यह कैले हती। हाँ। हम सुबह अपना बोरिंग से पानी पटैली है, इमे तो पानी रहल जरूरी बा। हाँ, पानी रहल तो जरूरी। हाँ ये चलते हम पानी पटैली है। अच्छा दीदी कोनो वीडर के बारे कमैनी के बारे में तो हम अपने से समझबे करम, लेकिन उससे पहले अपने परिचय दे देती तो अच्छा रहे। अच्छा ठीक बा दीदी हम परिचय दे रहल हती। सभी दीदी भैया को मेरा प्रणाम। हमार नाम गिरजा देवी है, संतोषी जीव का स्वयं सहायता समूह का सचिव हूँ, आजाद जीव का ग्राम संगठन बिसरपट्टी का सदस्य हूँ, और ब्लॉक सरैया है। हमारे यहाँ 5 कट्ठा हम श्री विधि से खेती कैले है। 5 कट्ठा में श्री विधि कैले बड़ी है? हाँ 5 कट्ठा में कैले बड़ी। पहले जन से हमने कमाइत रही खुरपी से, तो 5 गो 7 गो जन बहुत लग जात रख, परेशान हो जात रही है। 5 कट्ठा में 5 गो 7 गो जन लग? हाँ तैयो बाकी लग जात रख है। आए अब कोनो बेडर से कर लेना तो 1 दिन में अपने कर ले ले, चाहे 2 दिन में कर ले ले, अपने कर ले ले। 5 कट्ठा अपने कोनो बेडर से कर ले ले? हाँ कर ले ले। हाँ एगो और बात दीदी, खुरपी से जो हमने केरावित रही है ना। हाँ। तो बैठ के केरावे में खुरपी से पेड़ टूट जाए रही है। पेड़ माने केरवनी कैला से टूट जाए रही है? हाँ लेकिन अभी तो इमें ठहरा हो के कोनो बेडर से केरवनी करे में पेड़ सुरक्षित रहा ले, एको पेड़ ना टूटल है। हाँ, और जल्दी हो भी जा ले। से हाई लाइन से चला दे थो भाई। हाँ, हाँ, और जल्दी हो भी जा ले। दीदी कोनो वीडर चलाएला से एक बार फायदा हो खले। कते फायदा हो खले अपने जाने छे? ना, ना, ना जाने छे। कोनो वीडर चलाएला से ये मट्टी जे है नू। हाँ।
से उकटा जाले तो तर में चल जाले तो जंगल सड़ जाले तो हरी खाद बन जाले ऐसे धान के पेड़ में कला बहुत देवल मैंने जंगलावा अंदर चल जाले तो हरा खाद में उपयोग हाँ आ मट्टी में हवा लागल तो उसे कला देवल मट्टी में भी हवा लगता है तो मैंने कला में विकास करता है। हाँ दीदी ऐसे एक और फायदा है कोनो बीडर चलावा ही ना तो खुरपी से केरवाई रही है तो ऊपरे ऊपरे जंगल छीन ले रही है माटी बज्जर रह जा रही है आ कोनो बीडर से चलावा ही तो माटी उकटा जाले या गहरा हो जाले तो बहुत 40-50 कल्ला देवल आ माटी हल्का हो जाले तो कल्ला देवे में बनल तभी एगो इहो फायदा बढ़ गेल। अच्छा दीदी माने एगो पेड़ में 40-50 कल्ला हो जाले। हाँ देखिए दीदी तो और बढ़िया माने आई जे हरियर का घासवा होले से ऐसे तो खुरपी से केरा के बिगिए देत रहल होबे। हां आई अगर अंदर एमे... हो गेले तो ई घास के भी काम कर अति खाद के भी काम कर। हां ई काट जाले ना तो सर जाले तो हरी खाद के काम में आ जाले। अच्छा दीदी कोनो भी डर बनल कौन चीज के है। दीदी लोहा से बनल है देखै छी ना ई लोहा के दंता है हैंडल है आ ई लोहे के ई फार है सब ई फार है सब लोहे के है सब फारो में लगावल। हाँ अच्छा दीदी वो कौन चीज ला बनल है वो आगे जो बनल है ए दिया पूछाई ले दीदी। हाँ दीदी यही दिया पूछ ली है। अच्छा तो ये प्लेट है। हाँ ये प्लेट भेल है। हाँ तो ये में ईटवा है ना सेंती करके वजनदार रख दिलिए आ तभी चलावा ना तो ऐसे खूब बढ़िया चलते तो जंगल काटते। अच्छा देखिए दीदी कोनो बीडर चलेला से दोनों बगल के जंगल काट के आ देखिए पूरा कादो बन जाए छै माटी ढीला हो जाए छै ना आ जंगल के पूरा काट के आ एमे बस ई सर जते भीतर त हरी खाद बन जतै है देखिए पूरा कितनी पूरा पूरा के काट देई बा। हां देखिए ई सब निकौनी हो गेलै सब सब। हां देखिए है ना हो जाय त एके बेर में तो होई बा ई सब एही में जंगल के काट के रख देई बा। देखिए दीदी चलबै बढ़िया है ना तो पूरा जंगलवा के काट दी थे। हाँ दीदी पूरा जंगल काट हाँ, के अंदर कर दी। हाँ तो पूरा सर जाते ही ना तो हरी खाद हो जाते देखा ही बड़ी पूरा पाती चिकन हो गए ले आ खुरपी से ना उसरा ले ये चलते कोनो बीडर से हर हाल में खेती करे के चाहिए श्री विधि वाला खेत है। अच्छा दीदी कोनो बीडर के बारे में तो हमरा के बढ़िया से समझा दिली है फायदा के बारे में बता दू ऐसे तो हम देखते बारी कि एकर का फायदा है लेकिन और कोनो विशेष फायदा है ओकरा बारे में हमरा के बता दू। दीदी कोनो बीडर चलाला से यही फायदा हो खल कि एमे जान कम लागल है और जंगल के कोनो बीडर चलाला से उलीट दे वाले जंगल तो माटी हल्का हो जाले तो हल्का हो गेला से फायदा कथी हो खल कि कल्ला ज्यादा दे वाले एमे 40 कल्ला 50 कल्ला 35 कल्ला 50-55 कल्ला तक दे दे वाले। हाँ आ खुरपी से केरेला से बज्जर माटी रह कल्ला न दे वाले 10-12-15 दे के रह जाले डर में हवा लागल है ना ये चलते कल्ला ज्यादा दे वाले। अच्छा दीदी तो कोनो भी डर में कई बार चला ले खेत में देखो रोपाई के बाद में दीदी एमे हर 15 दिन पर कोनो भी डर चला ले मैंने रोपाई के 15 दिन बाद चला ले हर 15 दिन पर 15 दिन पर। हाँ अच्छा दीदी तो हर 15-15 दिन पर कहे बड़ी तो कटाए तक ले मैंने कोनो भी ना कटाए तक ले ना चलता है 3 बार बस मैंने 3 बार। हाँ 15 दिन पर 15 दिन। हाँ, पर 3 बार कर। हाँ जैसे 45 दिन तक। अच्छा ओकरा बाद में आवश्यकता होता है जैसे जरूरी मांगता है कि अभी केरवनी में चाहिए आई तो चलबाई आ न मांगते जरूरी जे हाँ अब केरवनी न चाहिए तो 3 बार चला के छोड़ देवे। अच्छा अच्छा दीदी एमे कोनो सावधानियो रखे के होता देखो दीदी सावधानी यह रखे के होता है कि लाइन दोनों बगल से सीधा रहे के चाहिए। हाँ, हाँ। और एमे 2 इंची पानी रहता है ना तब केरवनी अच्छा से हो जाते कोनो भी डर से के चाहिए माने लाइनिंग में रहे के चाहिए 2 इंची तक पानी एमे। हाँ रहे के चाहिए तब कोनो भी डर से केरवनी हो। हाँ आ दोनों बगल से सीधा लाइन रहे के चाहिए सीधा लाइन रहे के चाहिए। हाँ देखो दीदी लाइन से लाइन भी 10 इंची के दूरी हो के चाहिए। अच्छा। और पौधा से पौधा के भी 10 इंची के दूरी हो के चाहिए माने लाइन से लाइन के दूरी 10 इंची और पौधा से पौधा के दूरी 10-10 इंची हो के चाहिए। हाँ तब कोनो बीडर से केरवनी अच्छा से हो खल।
देखा छे रोपले हती से 10 इंच है एक नाप के अंदाज बुझ लियो। हाँ दीदी 10 इंच पर तो रोपले बड़ी अपने। दीदी एकरा चलावे में तो कोनो दिक्कत ना होई थोई ना दीदी कोनो दिक्कत ना है ई तो बस एंती आगे पीछे क के चलावत रहू बस एतने हाँ। करे आउ ना देखू ना रोड चला के देख लो दीदी तो बड़ा बढ़िया चलाई बा में तो कोनो मेहनत ना बा चलावे में। हां दीदी मेहनत ना नु बा वही चलते नहीं हमने कोनो भी डर के यूज कर ही ले। अच्छा दीदी कुछ में माटियो पकड़ लेई थई। हां दीदी माटी पकड़ ले वाला इते में आगे पीछे करबाई ना तो माटी अपने छूट जाते। अच्छा आगे पीछे करबे तो छूट जाते। हाँ अपने निकावनी होई चल जाते। अच्छा दीदी किसान भैया के लेल कोई संदेशो देबे अपने? हाँ दीदी देबे सब किसान भैया दीदी से अनुरोध है कि श्री विधि से खेती करूं और जंगल हो जाए तो कोनो बीडर से केरवनी करूं। अच्छा दीदी श्री विधि धान के केरवनी के लेल तो बड़ा बढ़िया हमरा कोनो बीडर से केरवनी करे के लेल बता देली एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बहुत धन्यवाद दीदी।